हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चंस होंगे ज्योमेट्री के। जैसा मैंने मेरी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया, मैंने कहा था आप लोगों को कि अब लोग आज की क्लास में हम लोगों को क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं, क्वेश्चंस को हम लोग शुरुआत करेंगे करने की। पहली क्लास में मैं आपको एकदम आसान क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, एकदम आसान। जो थ्योरी आपको पढ़ाई है मैंने, उनके क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तभी आपके माइंड में थ्योरी सेट होगी। अचानक से ऐसे नहीं थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस में अप्लाई कर दोगे। जैसा आपको पता है, आज की क्लास में हम लोग आसान क्वेश्चंस करने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग बहुत टफ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसी एक सीरीज चलाएंगे, पहले आसान क्वेश्चन, फिर टफ, और फिर एसएससी के क्वेश्चंस, फिर आसान, फिर टफ, फिर एसएससी के क्वेश्चंस। ऐसे 3-3 दिन के इस प्रकार से हम लोग स्लॉट में पढ़ाई करेंगे, आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चंस, जिससे आपके सीडीएस के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस, कैट के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद एसएससी चाहे तो रिपीटेशन दे दे, हम लोग आसानी से कर लेंगे, और चाहे तो नए क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे दे, हम लोग आसानी से कर लेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ड्यूल लैंग्वेज में चलते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका दोनों लैंग्वेज में होता है। हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, दोनों लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और इन यूट्यूब ये जो अपने क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चैनल पर, तो नीचे इसमें आपको एक लिंक दिया हुआ है, मेरे जो चैनल है इसका, टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर तो आपके लिए लिख ही रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस हैं उस चैनल पर भी मिल जाएंगे, और चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको, टेलीग्राम को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ कि पहली क्लास में एकदम आसान क्वेश्चन, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है, पहली बार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उनके कुछ आसान क्वेश्चन जब उन लोगों को हम लोग करवाएंगे तो उनके धीरे 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 माइंड में ज्योमेट्री सेट होगी। ऐसे नहीं कि अचानक से हम लोग एकदम हाई फाई क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ओनली हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, सभी टाइप के, आसान भी, मीडियम भी और टफ क्वेश्चन सारे मैं करवाऊँगा आपको, है ना। देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, एक त्रिभुज, और जब भी क्वेश्चन हो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग नहीं जाना चाहते तो। एक त्रिभुज के दो कोण समान हैं और तीसरा जो कोण उनमें से प्रत्येक से 30 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। इन ए ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज 30 डिग्री मोर देन ईच ऑफ देम, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण हम लोगों से पूछा गया है। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो देखिए करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्रायंगल, मान लीजिए तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसने क्वेश्चन में कहा दो जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, फर्स्ट अगर एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा और तीसरा एंगल होगा उसमें से 30 डिग्री अधिक, तो एक्स प्लस 30। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अपने पास ये आएगा 3x+30, और 3x+30 बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 30 उधर जाके माइनस होगा तो 3x बराबर अपने पास 150, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। यहाँ पुट करोगे x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। यही अपना आंसर है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो अपना आंसर आ गया 80 डिग्री। तो आसान क्वेश्चन था आज की क्लास में, सिर्फ और सिर्फ मैं आसान क्वेश्चन से आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो आइए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो ये अपने पास लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एम एन एंड डी एन एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड फाइंड एंगल एम पी एन इफ ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट एम एंड सी डी ऑन ए सी डी एट एन। दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा ई एफ के ए की ओर स्थित एंगल जो है बी एम एन और डी एम एन डी एन एम के कोण समद्विभाजक बिंदु P पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो P पर बना एंगल क्या होगा। ये पूरा आप लोगों को मैंने कहा है कि क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के लिंक पर है, और दूसरा आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जाए उसको कम से कम आप लोग पहले दो बार पढ़िए, उसके बाद आपको सही समझ में आएगा। और आज की क्लास में जैसा मैंने कहा
और ये क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग थ्योरी को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आज के बाद कभी भी इस चैनल पर आप लोग नहीं आओगे। जबकि अगर फर्स्ट लेक्चर से अगर आप लोग पढ़ने की शुरुआत करोगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोगों के ये चीज़ें समझ में नहीं आए। और थ्योरी ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड किसी भी लेवल का कहीं भी आपको दिखाई दे, आप लोग खुद ही कर लोगे अगर पहले थ्योरी पढ़ोगे। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, कम से कम आपको 200 के लगभग क्वेश्चंस करवाऊंगा, 50 के लगभग क्वेश्चंस मैं थ्योरी में साथ साथ करवा चुका हूँ चीज़ें समझाने के लिए। अब 200 के लगभग और क्वेश्चंस करेंगे तो थ्योरी और क्वेश्चंस में अप्लाई होने के बाद आप लोग आसानी से समझ जाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग शुरुआत से फर्स्ट लेसन से पढ़ते हुए आओ, उसके बाद ये क्वेश्चन सही समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। दो लाइन है ए बी और सी डी जो दोनों पैरेलल हैं। मैंने कहा है कि आज की क्लास में मैं एकदम आसान चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ए बी और सी डी पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ, इसको काट रही है एम पर और इसको काट रही है एफ को एम पर, ए बी और इसको सी डी को यहाँ पर एन पर। इसके एक ही और बी एम एन और इस यहाँ से सी डी है, डी एन एम के एंगल बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे को पी पर मिलते हैं, तो ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री होगा। तो ध्यान रखना, हमें पता है कि एंगल एम और एंगल एन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, लाइन और एंगल का एक वीडियो आपको बताया था उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एंगल एम और एंगल एन का जो सम होगा वो अपने पास होगा 180 डिग्री। एंगल एम प्लस एंगल एन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा समझाया था क्या? इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री बता चुका हूँ। दोनों को आधा आधा कर दोगे, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया, तो अपने पास ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम बचेगा 90 डिग्री। दोनों को आधा आधा कर दो, एम बाई टू प्लस एन बाई टू इक्वल्स टू, दोनों को आधा कर दिया तो 90 डिग्री। एक ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या तीसरा भी 90 बचा क्या? तो एंगल एम पी एन जो पूछा है वो होगा अपने पास राइट एंगल होगा, यही अपना आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन जो और बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है देखिए आप लोग, एक जो और क्वेश्चन बनता है, मैंने एक दिन समझाया था आप लोगों को, सीखना एक बार, यहाँ पर मैंने एक दिन समझाया था कि अपने पास अल्फा और बीटा दो एंगल जो हैं, इस एंगल का भी बाइसेक्टर और इस एंगल का भी बाइसेक्टर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। लाइन और एंगल वाला पॉइंट आप लोग पढ़ना, उसमें मैं बता चुका हूँ स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, एंगल अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी संपूरक कोण है, तो इनका सम होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको भी आधा बांट दिया जाए और इसको भी आधा बांट दिया जाए तो ये कोण 90 डिग्री होगा। ऐसा मैं थ्योरी में कम से कम आपको 10 बार बता चुका हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, पहले थ्योरी पढ़ाओ और क्वेश्चंस करते टाइम थ्योरी याद करवाते चलो, ताकि आपको थ्योरी कंप्लीट फिर खुद ही याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर और इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर पी पर बनता है, और इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल का बाइसेक्टर जो है वो क्यू पर बनता है, क्यू पर मिलता है। तो बताइए क्यू एम पी और एन जो होगा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? क्वाड्रिलेटरल्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बताइए रेक्टेंगल होगा क्या, स्क्वायर होगा क्या, पैरेललोग्राम होगा क्या, रोम्बस होगा क्या, चारों में से कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है वैसे इधर वाले एंगल बाइसेक्टर जब मिलेंगे तो ये एंगल भी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर, इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर, ये समझाया एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं तो ये कोण 90 डिग्री, ऐसे ये कोण 90 डिग्री, और एक चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री अगर हैं तो वो या तो रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, या तो आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है। और ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर रेक्टेंगल होगा। हमेशा याद रखना स्क्वायर के लिए हमेशा दो प्रॉपर्टी चाहिए, एक तो ये चाहिए कि चारों कोण 90 डिग्री, उसके साथ ही एक प्रॉपर्टी और चाहिए, या तो चाहिए एडजेसेंट साइड बराबर, या चाहिए कि दोनों डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर चारों कोण 90 डिग्री के साथ एक प्रॉपर्टी और पता है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन कभी भी सिर्फ अगर आप लोगों को इतना सा अगर पता है कि चारों कोण 90 डिग्री, तो ध्यान रखना हमेशा आपका आंसर रेक्टेंगल होगा। अगर ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल होगा, और ऑप्शन में अगर स्क्वायर भी हो रेक्टेंगल भी हो तो भी आपका आंसर रेक्टेंगल होगा, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 115 डिग्री एंड वन इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 35 डिग्री, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज का एक बहिष्कोण दिया हुआ है, बहिष्कोण के बारे में पहली क्लास में फर्स्ट लेसन में मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले थ्योरी जरूर पढ़ना अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो।
एक अंतःभिमुख कोण 35 डिग्री का है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, या आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक पर जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। देखिए, कोशिश करना समझने की, आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, और थ्योरी में मैं बता चुका हूँ और आज की क्लास में हम लोग आसान क्वेश्चन ही करने वाले हैं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल एक 115 डिग्री का है और एक अंतःभिमुख, एक इंटीरियर अपोजिट, कोई सा भी एक अंतःभिमुख इंटीरियर, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, एक कोण 35 डिग्री का है। तो आप लोगों को पता होगा एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, अंतःभिमुख बाह्य कोण अंतः अभिमुख इनके योग के बराबर होता है। तो 115 डिग्री जो है वो इसके और इसके सम के बराबर है, यानी इसको अक्ष मानो तो अक्ष प्लस 35 बराबर 115 डिग्री होगा। तो अक्ष की वैल्यू जो यहाँ से आएगी, आप लोग यहाँ पर 35 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस करोगे इधर ले जाकर तो 80 डिग्री, ये 80 डिग्री आ गया है। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री, ये 115 है तो अंदर वाला जो एंगल होगा वो 65, क्योंकि एक सीधी लाइन पर बना एंगल 180, बाहर वाला 115 तो अंदर वाला 65। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जेस्ट एंगल बताइए, तो ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल 80, 35 और 65 में बड़ा कौन है, 80, ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो और क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ा करो। पॉज जब भी क्वेश्चन आप लोग करो तो उससे पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप लोगों को पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एबीसी की भुजा बीसी को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त दो बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा। इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, व्हाट विल बी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल है ये ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाला एंगल मान लीजिए, ये वाला एंगल अपने पास एक्स है, ये वाला एंगल मान लीजिए वाई है और ये वाला एंगल जेड है। इसने कहा कि दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए बीसी को, तो एक्सटेंडेड जो एंगल होंगे ये वाला और ये वाला, इनका सम क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने पास, मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ और ये पहली क्लास की जो थ्योरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। तो आप खुद बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर। और ये वाला जो एंगल होगा, ये एक्स है और ये जेड है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एक्स प्लस जेड के बराबर होगा। इसने कहे इन दोनों का सम एक्स प्लस जेड के बराबर कैसे आया, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। तो इसका और इसका सम हम लोगों से पूछा है, तो ऐड करेंगे हम लोग एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई, और ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई होगा 180 डिग्री, और ये है एक्स अपने पास। मुझे बताइए 180 डिग्री में कुछ ऐड कर रहे हो आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह तो 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड में अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपना आंसर ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा क्या। 180 में कुछ ऐड किया तो आंसर होगा 180 डिग्री से अधिक, ये अपना आंसर है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक सर्कल की दो कोर्ड्स दी हुई हैं, ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्किल, वेयर ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल्स टू 12। ए बी पैरेलल है सी डी के, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इक्वल्स टू 17, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। दोनों जो कोर्ड्स हैं, द कोर्ड्स आर लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ लीजिए, दो जीवाएँ दी हुई हैं, ए बी 10 है और सी डी 24, दोनों के बीच की दूरी 17 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो। क्वेश्चन करने से पहले कम से कम 2 बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करो हमेशा, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका स्क्रीनशॉट जैसे ही मैं शुरुआत में पढ़ूँ उसके साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाएँ। बाकी क्वेश्चन आपको मैंने कहा है, पूरा ये जो पीडीएफ मिलेगा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर इसकी दो कोर्ड्स अपने पास ए बी और सी डी, जो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट का भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और ये है अपने पास सी डी, ये इसका सेंटर है अपने पास ओ, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए,
और यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ध्यान रखना परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से अगर कोर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, ऐसा मैंने आपको सर्किल में पढ़ाया है अगर आपको याद हो तो। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। ए बी की लेंथ 10 है तो ये बचेगा इधर 5, और सी डी की लेंथ अगर 24 था तो ये इधर बचेगा 12। हमें पता है कि इसके जो अपने पास दोनों के बीच की डिस्टेंस पी और क्यू अगर माने, बीच की डिस्टेंस 17 क्वेश्चन में दी हुई थी, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें देखा होगा। तो इसको अगर एक्स मानते हैं नीचे वाले को तो ऊपर वाला होगा 17 माइनस एक्स। सर्किल का क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिलाइए और यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिला दीजिए। ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है। हम लोग ट्रायंगल ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, ट्रायंगल ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, ट्रायंगल में कम से कम मैंने 100 बार बताई आपको इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल ओ क्यू डी में बताओ क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री के सामने कर्ण आर है, इसमें ओ क्यू डी के सामने आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? हाँ, आप बोलोगे कि सर रख सकते हैं तो बराबर रख दीजिए। फ्रॉम आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका स्क्वायर अपने पास 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x और 5 का स्क्वायर 25, 5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा यहाँ पर 25, और ये इधर वाले को लिखोगे बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, ये इसमें ऐड होगा तो 314, ये माइनस होगा तो 170 बचेगा इधर, और इधर बच जाएगा 34x, तो अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। हमें अक्स का मान नहीं पूछा, हमें रेडियस पूछी है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, अपने पास आर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस अक्स का जो स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो अपने पास ये आ गया आर बराबर रूट में 169, और 169 का मतलब 13, ये अपना आंसर आ गया, 13 अपना आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे, बेसिक तरीका ये है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर कभी भी आपसे पूछे तो ये तो आपको आना ही चाहिए। दूसरा तरीका हो सकता है, इस कोड की लेंथ कितनी दी हुई थी 10, इसकी लेंथ कितनी दी हुई थी 26, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 10 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर करके ऐड करो और रूट लेके 2 का भाग दे दो, वो अपना आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट अगर कभी एग्जाम में करना है तो 10 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर करके ऐड करके 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 10, ये 24 था, सॉरी 26 नहीं था, ये यहाँ से आता कितना था 24, 24 का स्क्वायर है ना। तो आप लोग 10 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, यहाँ पर सोल्व करें, 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576 बटे 2, तो ये हो गया, ऊपर वाला ऐड करोगे तो 676 बटे 2, 676 का रूट लोगे तो 26 बटे 2, तो आंसर कितना आ गया 13। तो आप लोग अगर अपने ट्रिक से करोगे तो भी आंसर 13 आना है, बेसिक तरीके से करोगे तो भी आंसर 13 आना है। आपको ट्रिक्स लगानी कब है, ये कब लगाना है आपको, या तो बेसिक से ही करना है, ये वाला कब लगाना है आप लोगों को ये देखना है कि अगर दोनों विपरीत दिशा में, ध्यान देना इस पॉइंट को समझना, अगर दोनों कोर्ड्स विपरीत दिशा में हैं और दोनों को ऐड करने पर ए बी प्लस सी डी बाई 2 बराबर दोनों कोर्ड्स के बीच की डिफरेंस अगर आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला तुरंत लगा देना, तब अगर डिफरेंस नहीं आए तो फिर मैंने बेसिक तरीका आपको समझाया है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 10 था और ये 24 था, 10 और 24 अपने पास 34, 34 में 2 का भाग दोगे तो 17, और दोनों के बीच में डिस्टेंस का 17 ही दिया हुआ है क्या? हाँ, दोनों बराबर हो गए तो ये वाला फॉर्मूला तुरंत लगा देना। ये तब करना है जब कोर्ड दोनों तरफ हो, सर्किल के दोनों तरफ, सेंटर के दोनों तरफ कोर्ड हो। अगर एक ही तरफ कोर्ड हो तो फॉर्मूला तो यही लगेगा बाद में तो, लेकिन पहले चेक करने का तरीका होगा आपको सी डी में से ए बी माइनस करना है और फिर दोनों तरफ 2 का भाग देना है, ये डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले कोड ये देखना कि दोनों तरफ है या एक तरफ है, वो लिखा हुआ मिलेगा। अगर कोड दोनों तरफ है तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना, क्या बीच की दूरी आ गई क्या?
ठीक है, अगर कोण एक तरफ ही है तो दोनों को माइनस करके दो का भाग देना, क्या बीच की दूरी आ गई क्या? अगर ऐसे बीच की दूरी आ जाए, चाहे आप दोनों एक तरफ हैं तो ऐसे आएगी, दोनों तरफ हैं तो ये आएगी, और फिर इतना करने के बाद फॉर्मूला तो यही लगाना है, चाहे एक तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो, स्क्वायर करके डिवाइड करना आपको रूट लेके दो से, हमेशा आंसर आ जाएगा जल्दी करने के लिए। बाकी बेसिक तरीका मैं सिखा चुका हूँ। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, जहां ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जीवा बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी एंड ए सी आर टू कोर्ड्स ऑफ ए 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्किल, वेर ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्ड बी सी। ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और हम लोग सोल्व करते हैं। कोशिश करना सभी लोग सीखने की। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ, जब मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया और ये दूसरा क्वेश्चन जब क्लास में मैं करवाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट बनाते हैं ए बी और ए सी, लगभग 30 या 40% स्टूडेंट। और जहाँ पर आप लोग बैठे हो, अगर फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, कहीं पर पढ़ चुके हो, तो आज की क्लास वैसे आप लोग क्वेश्चन तो देख लीजिए, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कहीं पर आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े से आसान लगेंगे। लेकिन आप कहीं भी एक्स वाई जेड किसी भी फैकल्टी के पास कहीं भी अगर आप लोग पढ़ चुके हो, कल वाले क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आने वाले हैं। तो कल का जो वीडियो होगा अगली क्लास का, जो मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो आपको 100% देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके देखे हुए नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे खुद के स्टूडेंट हो ऑफलाइन क्लास के तो अलग बात है, अगर वैसे ही आप लोग पढ़ रहे हो तो वो वाले क्वेश्चंस आपके देखे हुए नहीं रहेंगे। तो आप कल का वीडियो जरूर देखना, और आज भी जो स्टूडेंट क्या क्या सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो वो अपने पास क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैंने आपको बताया कि मुझे ये बताओ ए पॉइंट एक सर्किल पर दो जगह कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली गलती स्टूडेंट ये करता है। दूसरा, आप लोग ध्यान दो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो ए एक ही पॉइंट से शुरू होना चाहिए। तो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो कोशिश करना समझने की। ये डायग्राम अपने पास यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक और ए से सी तक एक सर्किल की दो कोर्ड्स हैं, ये दिया हुआ 6, ये दिया हुआ 6, दो कोर्ड्स ए बी और ए सी दी हुई हैं 6, और ये इसका सेंटर ओ मान लो, और इसकी जो रेडियस दी हुई है यहाँ से यहाँ तक वो दी हुई है 5, ये हमें 5 दी हुई है, ये हमें 5 दी हुई है, और ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को 5 दी हुई है। 5 क्यों है, ये ओ से ए तक रेडियस है, तो ये भी अपने पास 5 होगी। और हम लोगों से जो लेंथ पूछी है, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों से जो लेंथ पूछी है वो लेंथ पूछी है कि बी सी की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कीजिए, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, और इस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट है P। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, यहाँ पर ये टोटल 5 था, ऊपर वाले को अगर आप लोग x मानोगे तो नीचे वाला होगा 5 - x। टोटल यहाँ से O से A तक 5 था, ऊपर वाले को x माना तो नीचे वाला 5 - x हो गया। ऊपर 90 डिग्री का कोण स्ट्रेट लाइन है, तो नीचे भी अपने पास 90 डिग्री का कोण होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में PAC में बताओ आप लोग क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल P, ये पॉइंट P है, POC में नीचे PAC ले लो, चाहे पहले या पहले POC ले लेता हूँ मैं, ऊपर वाला ट्रायंगल POC में बताइए आप लोग क्या लिख सकते हो। POC में 90 डिग्री के सामने कर्ण 5 है, 5 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करें तो क्या PC स्क्वायर आ जाएगा क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं PC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पहला पॉइंट ये हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं PAC में, ट्रायंगल APC में, नीचे वाले ट्रायंगल में बताओ क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री के सामने कर्ण 6 है, तो क्या लिखा जा सकता है क्या कि PC स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 5 - x का स्क्वायर। कंप्लीट क्वेश्चन देखना, बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी इस क्वेश्चन से। शुरुआत में मैं आसान क्वेश्चंस तो समझा ही रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों से आपकी थ्योरी कंप्लीट क्लियर होगी, जो पहले पढ़कर आ चुके हो आप, ये यहाँ आपको याद होगा खुद को ही जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट भी पी सी स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड भी पी सी स्क्वायर की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 - x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 - x स्क्वायर, और माइनस माइनस मिलके प्लस 10x।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस वाले तो माइनस के और माइनस वाला प्लस का, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट जाएगा, 50 इधर आके 36 में से माइनस होगा तो इधर बचेगा 14 बराबर 10x है, अक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.4। अक्स की जो वैल्यू है वो या तो रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या रख दीजिए इक्वेशन सेकंड में, पीसी का मान आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, देखिए यहाँ से पीसी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस अक्स का स्क्वायर 1.96, तो पीसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48. पीसी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर अपने पास आ गया 1.96, ये आ जाएगा 23.04 और ये जो पीसी आ जाएगा ये आ गया 4.8। मुझे बताइए पी अगर मिड पॉइंट है, पी से सी तक की लेंथ 4.8 है तो बीसी का मान इससे डबल होगा, तो बीसी जो होगा अपने पास 4.8 इंटू 2 तो आंसर आ जाएगा 9.6। ये अपने पास पहला तरीका। किसी भी क्वेश्चन को आपको बेसिक से कैसे करना है और एग्जाम में क्या अप्रोच लगाओगे ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चलता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पहला तरीका ये अपने पास 9.6। ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोग एक काम करो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन बेसिक तरीका मैंने समझा दिया, एग्जाम में करने का तरीका होगा ये 5, 5 और 6 एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोग यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड डाल दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक आप एल्टीट्यूड डाल दीजिए और आपको पता होगा ज्योमेट्री में मैंने समझाया है, मैंने लिखवाया है, जोर देकर कहा था आप लोगों को कि समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना वही एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होती है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है, तो 6 था तो ये 3 बचा और इधर भी ये 3 बचा, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या इसकी हाइट 4 आ जाएगी क्या। ओ ए सी जो त्रिभुज है जिसका बेस 6 और हाइट 4 है तो क्या एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, हाफ इंटू बेस तो 6 हाइट 4 तो एरिया आ गया 12 cm². कोशिश करना समझने की, एरिया 12 cm² आ गया, ये 5 है ये 5 है और ये 6 है, इधर वाले ट्रायंगल में जंप कीजिए आप लोग, ये 5 है और ये 5 है 6 है, तो क्या एस 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 से क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्या, 5 5 6 5 5 6 तो इसका एरिया क्या सर्वांगसम होती किसी भी तरीके से, 4 पॉइंट बताए थे सर्वांगसमता में, किसी भी एक तरीके से सर्वांगसम होते ही दोनों का एरिया बराबर होगा, इसका एरिया अगर 12 है तो इसका एरिया भी 12 होगा। और मुझे आप लोग ये बताइए अगर अब की बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ बी ए का क्षेत्रफल अगर 12 है और मुझे ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी इधर वाली, ये अगर 12 है और ये वाली हाइट अगर मुझे निकालनी पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल तो 12 है ये मान लो एच है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हाफ इंटू बेस तो अपने पास 5 है और हाइट एच है ये आ गया 12, सोल्व कर लेना एच का मान यहाँ से 4.8 आना है, तो इसकी लेंथ अगर 4.8 आ गई तो इधर इससे डबल हो जाएगा और 4.8 का डबल करोगे तो क्या अपने पास डबल करते बीसी की जो लेंथ आ जाएगी क्या वो 9.6 आ गई है क्या, ये अपना आंसर है। क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया, क्षेत्रफल वाला अभी चैप्टर नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट चैप्टर वही होगा अपना, आप लोग इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस तरीके से चाहो उससे कर लेना और इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर वाले का होगा। अब की बार बेस तो ओ ए ले लेना और हाइट अपने पास एच ले लेना, ओ ए की लेंथ 5 है हाइट एच निकाल लिया 4.8 आया डबल कर दिया आंसर आ गया 9.6। कुछ लोगों के दिमाग में जो क्लास में बैठे रहते हैं या आप जहाँ पर बैठे हो आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो बनने चाहिए और आपके बनने चाहिए ये क्वेश्चंस, आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में वो ये बनता है कि सर ये कोण 90 डिग्री क्यों, अगर नहीं बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए और क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये कोण 90 डिग्री क्यों, ये कोण 90 डिग्री क्यों मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताइए ये साइड अगर 6 है, ये साइड अगर 6 है, आप लोगों को अगर याद हो थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, मैं आपको थ्योरी रिवाइज करते चलूँगा और जैसे जैसे थ्योरी रिवाइज होती जाएगी आपके चीज़ें समझ में आती जाएंगी। यहाँ से अगर हम लोग ये दोनों बराबर हैं तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, कोण समद्विभाजक होती है, ये दोनों बराबर हैं तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी कोण समद्विभाजक होगी, ये इसके बराबर ये एंगल बाइसेक्टर बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या बी पी ए जो ट्रायंगल है और सी पी ए जो ट्रायंगल है क्या सर्वांगसम हो गया क्या एस ए एस से,
ये साइड दोनों बराबर गिवन है क्वेश्चन में, ये साइड अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल दोनों बराबर हो गए तो एस ए एस से सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो ये एंगल इसके बराबर। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री और दोनों तरफ बराबर बराबर है, 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 90-90 होगा क्या, और ये 90 अगर हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाला भी 90, इसलिए 90। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी बनता है, और जो क्लास में स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ये आसान क्वेश्चन मैं कभी कभार क्लास में भी करवाता हूँ, और जो स्टूडेंट्स क्लास में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में भी बन रहे हो और उससे पॉइंट क्लियर होंगे। इसीलिए जब मैं आपको बार बार बताऊंगा, आप लोग मुझे पता है कि आप मुझसे दूर बैठे हो, लेकिन क्लास के जितने क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछते हैं वो अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो आपकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या पूछते हैं मुझसे, वो बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दोनों नीचे ही बनेंगी, हम लोग ऐसे बना ले तो हमें ये, आपको कैसे पता लगा कि दोनों नीचे ही बनेंगी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बना लें। और आपके दिमाग में भी आया होगा हम लोग ऐसे बना लें, और क्या पता आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश की हो तो इसको ऐसे ही बना लिया हो। ये नीचे ही क्यों बनेंगी, ये सेंटर से ऊपर भी तो बन सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पाँच होगा, ये पाँच होगा, और ये अपने पास BC की लेंथ पूछ ली। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आप अगर ऐसे डायग्राम बना लिया है तो यहाँ से देखिए ये अपने पास होगा पाँच, और ये इसको ऊपर मिला दो O से P को, परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, ध्यान रखना, ये मैं बता चुका हूँ, कोड के मिड परपेंडिकुलर डालते ही वो कोड पर हमेशा मिड पॉइंट पर होगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो क्या इस ट्रायंगल में देखो, मैं ग्रीन ये अक्ष मान लीजिए, मैं पहले आप लोगों को ग्रीन से दिखा रेड से दिखाता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने पाँच, पीसी स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर, पीसी स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। और क्या इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर इसको मैं ग्रीन से दिखाऊं आप लोगों को, यहां से इस प्रकार से, क्या लिख सकते हैं क्या कि पीसी 90 डिग्री के सामने कर्ण 6 है, इसको भूल जाओ एक बार, 90 डिग्री के सामने कर्ण 6 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस अक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देना पी सी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस अक्स का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सोल्व करोगे तो ध्यान रखना अक्स की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आ जाएगी, अक्स का जो मान आएगा अब की बार वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, नेगेटिव आ गया तो तुरंत समझ जाना आपसे डायग्राम गलत बन गया, डायग्राम ऊपर नहीं बनेगा, डायग्राम नीचे बनेगा नेगेटिव आते ही। लेकिन ध्यान रखना एक पॉइंट में, यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव अगर आ गया तो आप ये तो दिमाग में आ जाएगा कि डायग्राम गलत बन गया, इसका मतलब डायग्राम गलत बन गया तुरंत मिटा कर ये मत कर लेना कि डायग्राम गलत बन गया तो चलो मैं नीचे करके फिर से वापस सॉल्व करूँ, डायग्राम गलत बन गया ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पर आए, जैसे आप लोग इसको प्लस करोगे तो अपने पास ये अपने पास हो जाएगा यहां पर माइनस, प्लस करते ही माइनस हो जाएगा और एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो तुरंत दिमाग में आएगा डायग्राम गलत बन गया, तो उसको वापस नहीं करना है, आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करोगे आंसर भी आना है, एक्स की वैल्यू यहां पर नेगेटिव अगर पुट करोगे तो आप लोग नेगेटिव का स्क्वायर भी, जैसे अपने पास एक्स की वैल्यू आई 1.6 तो ध्यान रखना 1.4 का स्क्वायर भी वही होता है, और एक्स की वैल्यू अगर माइनस का 1.4 है तो माइनस का स्क्वायर करने पर भी वही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो डायग्राम वापस बना के आप क्वेश्चन वापस करने की कोशिश मत करना, अक्स की वैल्यू नेगेटिव आई है तो नेगेटिव पुट कर देना तो भी आपका आंसर सही आएगा। यही जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी हम लोगों से पूछ सकता है, इसकी सेम लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, ए बी ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, लिख लो इस क्वेश्चन को, ए बी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, और इसके परिवर्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो बी सी की लेंथ फाइंड आउट करो, इफ द रेडियस सर्कम रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द बी सी। वापिस बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, ए बी सी एक अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल दे देगा जिसकी ए बी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ये परिवर्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द बी सी की लेंथ फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है और जो मैंने बोर्ड पर लिखा ऐसे भी आ सकती है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए आप लोग। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 13 और 8 सेंटीमीटर हैं,
ए बी बड़े वृत्त का व्यास है और बी छोटे वृत्त का व्यास है, छोटे वृत्त को डी बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ए डी की लंबाई आप लोग बताइए। डायग्राम आपके लिए बना हुआ है। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेकेंडरी वृत्त हम लोग उनको बोलते हैं जिनका एक दो सर्किल ऐसे जिनका सेंटर एक ही हो, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल या सेकेंडरी वृत्त हम लोग बोलते हैं। बी छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, नहीं आगे हम लोग इंग्लिश में चल रहे थे। ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अदर सर्किल एंड बी ई इज टेंजेंट टू द इनर सर्किल। इसको अदर की जगह आउटर कर लेना आप लोग, ऑफ आउटर सर्किल है ना, इसको आउटर कर लीजिए। दो सर्किल होंगे, एक आउटर होगा एक इनर होगा। विच टच द इनर सर्किल एट पॉइंट डी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी की लंबाई आप लोगों के पास डायग्राम भी है, क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक जो नीचे दिया हुआ है उस पर भी ये लिखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, या कोई भी स्टूडेंट अगर इसके स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सोल्व करते हैं इसको हम लोग। ये आसान क्वेश्चन है और मैंने कहा है कि इस सीरीज़ में मेरा जो पहला लेसन होगा उसमें मैं आसान आसान क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, एकदम आसान क्वेश्चंस करवाऊँगा। कल की क्लास में हम लोग टफ क्वेश्चन लेंगे और परसों की क्लास में एसएससी के क्वेश्चन, तीन दिन पढ़े फिर तीन दिन यही चीज़ रिपीट करेंगे, फिर तीन दिन यही चीज़ रिपीट करेंगे, तो फिर हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम मैं बड़ा बना लेता हूँ। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, सेकेंडरी वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, और यहाँ से ऊपर वाला फ्रेम में अगर नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सर्किल आपको दिखाई देना चाहिए। ये ए है, ये मान लो बी है, ए बी बड़े वृत्त का डायमीटर है और छोटे वृत्त को डी पॉइंट पर टच करता है, ये पॉइंट डी है और ये ई है। बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक 13 है और छोटे वाले की जो रेडियस है वो है 8। अब देखिए इनसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, ए डी की लेंथ हम लोगों से पूछी गई है और जो थ्योरी क्लियर होगी वो आपकी इन आसान क्वेश्चन से ही क्लियर होगी। टफ़ क्वेश्चन से तो आप लोगों को क्या, टफ़ क्वेश्चन से तो हम लोग ये करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ जाए, आसान क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा कि जो भी अपनी 10th की बुक के क्वेश्चन हैं और भी जो आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग करेंगे, एसएससी के आए हुए क्वेश्चन करेंगे, सीडीएस के आए हुए क्वेश्चन करेंगे, और टफ क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग इसलिए करेंगे कि कभी कभार अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप लोग उसको सोल्व कर पाओ या उस टाइप का या अप्रोच लगा पाओ आप, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास है, तो हमें अगर ये अपने पास इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो ये मिड पॉइंट। बड़े वाले सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना छोटे वाले सर्कल में तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और बड़े वाले सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोण पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। ध्यान देना कोण पर अगर परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होता है, ये मैं बता चुका हूँ। जो भी चीज़ें मैंने बता दी हैं उसको मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको सही समझ में आए। परपेंडिकुलर होते ही मिड पॉइंट, ऐसा मैंने सर्किल में बताया, आप लोगों को याद होगा, और पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी। ये अपने पास 13 है, 13 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64 माइनस करोगे तो ये आ गया अपने पास √105, और ये √105 है तो इधर वाला भी √105 होगा। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, आप लोगों को याद होगा कि ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। 13 तो ये मिड पॉइंट हुआ, √105 तो ये मिड पॉइंट हुआ। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करें, इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये भी अपने पास ए बी का मिड पॉइंट ओ है, बी का मिड पॉइंट डी है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, और ये अपने पास आ गया 16। ये अगर 8 है तो ये अपने पास होगा 16, और ध्यान रखो हमें ए डी की लेंथ पूछी गई है, हमें जो लेंथ पूछी है इसने वो ए डी की लेंथ पूछी है, यहाँ से यहाँ तक ए डी की लेंथ पूछी है। तो याद रखना अगर AD की लेंथ पूछी है तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, 90 क्यों, चलो बताओ। ये वाला कोण 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि अपने पास AB व्यास है और डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल, ऐसा मैंने आपको बताया था। देखो सारी चीज़ें इससे क्लियर होते हैं क्वेश्चंस करने से, एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ कर आएँ, थ्योरी आप लोग भूल भी अगर चुके हो तो अब ये चीज़ें जो हैं अपने पास, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, या अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी चीज़ें क्लियर आप अगर वापस आप पढ़ोगे तो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चंस करते टाइम थ्योरी वापस आपके रिवाइज होती चलेगी तो अपने आप याद हो जाएगा आपको सब कुछ, है ना, और नए क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाओगे। तो ये अपने पास 16 और 105, 16 का स्क्वायर 256
और रूट 105 का स्क्वायर 105, 16 का स्क्वायर 256, रूट 105 का स्क्वायर 105, तो अपने पास ये आ गया रूट में 361, और 361 का मतलब ये है अपने पास 19, ये अपना आंसर है। तो आइए, हम आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर वीडियो को देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। द रेडियस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, जिनका सेंटर ए की हो उनको बोलते हैं हम लोग कोसेंट्रिक सर्कल। डायग्राम भी दिया हुआ है, ए एंड बी, वेर ए ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द कोड ऑफ आउटर सर्किल विच टच द इनर सर्किल। बड़े वाले सर्किल की कोड हमें फाइंड आउट करनी है, जीवा ज्ञात करनी है, जिनकी रेडियस ए और बी हैं, ए बड़ा है बी से, और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो, इसकी लेंथ निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला, आप लोग इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है। आप लोगों को याद होगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी जो साइड होगी, ये आप लोगों को पता होगा, तीसरी साइड होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जितना ये, अगर आप यहाँ से सेंटर से, बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर अगर है तो ये दोनों तरफ बराबर होती हैं, जितना ये है उतना ही ये होगा, तो इसकी लेंथ दो से गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन आ जाएगा पहला तरीका। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखिए। पहला तरीका मैं बता चुका हूँ, इसी से कर लेना, ये आसानी है। या मैं सबसे पहले, आपको पता होगा कि मैं आसान आसान क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, कि यहाँ से यहाँ तक ये अगर अपने पास ए है, टोटल अपने पास यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला जो बचेगा, ये वाला जो बचेगा, ये बचेगा ए माइनस बी, क्योंकि टोटल रेडियस तो ए है, टोटल रेडियस जो है वो अपने पास ए है, यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा, तो ऊपर वाला अगर बी है तो नीचे वाला ए माइनस बी, और इसको आप लोग अक्स मान लीजिए। और आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो रेडियस व छोटे वाले सर्कल की अगर बात करें, तो टेंजेंट व रेडियस के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये 90 हो गया, तो बड़े वाले की अगर बात करें तो 90 होते ही मिड पॉइंट हो जाएगा, कोड पर 90 होते ही मिड पॉइंट, तो एक्स और एक्स बराबर। अब हम लोग लिख सकते हैं, आपको याद होगा, दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें, एक ये वाली कोड और एक ये वाली कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूँ बड़े वाले सर्कल में, दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये होगा, तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये तो हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे वाला ए माइनस बी बराबर अक्स स्क्वायर, तो अक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अक्स स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, ये अक्स का मान है, अक्स इधर भी है, तो इंटू करोगे दो से तो ये आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास, चित्र ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और मैंने कहा है कि थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और बिंदु ए पर पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, यदि ए डी बी जो है अपने पास, ये 40 है, और बी डी सी 50 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए ये सारे के सारे एंगल, ये ऑप्शन नहीं है ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगेगा ये ऑप्शन ही ऑप्शन नहीं है, ये 6 क्वेश्चन आपसे कि ये एंगल हम लोगों से पूछा है, यदि बी डी वृत्त का व्यास है। इंग्लिश और हिंदी में जैसा आपको पता है मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपको सही से दोनों लैंग्वेज में समझ में आए। अब ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना आप लोग, देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी एंगल पूछा है, क्या आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है क्या? मैं सारे पॉइंट्स सिखाऊंगा आपको, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा, जो थ्योरी में पढ़ा है अब क्वेश्चंस में काम में लेंगे, जिससे आपके याद होगा। थ्योरी पढ़ाते टाइम ही अगर मैं क्वेश्चंस करवा देता तो आप लोग याद नहीं रखते उसको, वहीं भूल जाते, एक बार वहाँ पढ़ा, मैंने पढ़ाया, घर जाके आपने पढ़ा, अब एक बार वापस रिपीट करके आया करो, जब भी आपके पास 10 मिनट मिले थ्योरी को रिपीट कर लिया करो, जहाँ पर आपने नोट्स बनाए उसको, बाकी क्वेश्चंस करवाते टाइम वो चीज़ें मैं वापस रिपीट करवाते चलूँगा, जिससे थ्योरी आपकी दो बार क्लियर हो जाएगी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये है कि ये वाला कोण, अगर आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता होगा, छोटा सा यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, कि अपने पास ये वाला कोण अगर थीटा है तो इस कोण द्वारा इधर कहीं भी कोण बने ये थीटा होगा। और जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता क्यों होता है, वो मेरी थ्योरी की क्लास पहले
पहले देखिए जिससे आपको पता लग जाएगा। तो देखिए ये एंगल अगर 40 डिग्री है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दोनों तरफ से ठीक है, ये एंगल अगर अपने पास 40 डिग्री है इस कोण द्वारा, एडी द्वारा ये 40 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर ये 40 डिग्री होगा, टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल 40 डिग्री होगा। व्यास द्वारा 40 क्यों हुआ, समझ में आया क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, जिसको नहीं समझ में आया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सर्किल में मैं पढ़ा चुका हूँ उसको देख लीजिए। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण अगर 90 डिग्री है, ये 40 है, एक स्ट्रेट लाइन थी टेंजेंट, तो ये इधर वाला जो एंगल बचा, ये एंगल बच गया 50 डिग्री, और ये अगर 50 डिग्री बच गया, इस टेंजेंट व कोण के बीच 50 है, तो अपने पास ये अगर 50 है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल भी 50 होगा। या आप ट्रायंगल से भी कर सकते हो, 90 40 तो तीसरा एंगल बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 90 40 तो 50। अब अपने पास ये व्यास था, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 है, ये 50 है, तो ये अपने पास 40 बन गया। इसके बाद जो भी पूछे, 8 आप लोग सभी का आंसर दे सकते हो। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10, ए सर्कल टच द ट्रायंगल एबीसी, ये सर्कल एक ट्रायंगल एबीसी को टच कर रहा है एट साइड बीसी, साइड बीसी पर टच कर रहा है एट पॉइंट पी एंड टच एट क्यू एंड आर इफ ए बी एंड ए सी आर द एक्सटेंडेड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने पास पी एंड क्यू पर आगे बढ़ाने पर ए बी और ए सी को आगे एक्सटेंड अगर कर दिया जाए तो वो टच करता है पॉइंट पी एंड टच एट क्यू एंड आर, इस पर आगे टच कर रहा है, बी आगे बढ़ाने पर क्यू पर और इसको आगे बढ़ाने पर आर पर, एक वृत्त के इसी प्रकार से, इस प्रकार से इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू तथा ए बी और ए सी को बढ़ाए जाने पर एट साइड बी सी। देखिए ए बी और ए सी को बढ़ाए जाने पर क्यू तथा आर पर स्पर्श करता है, ए बी और ए सी को बढ़ाए जाने पर इफ़ ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड क्यू एंड आर, सेम चीज़ क्यू एंड आर, यहाँ पर पी पर टच कर रहा है। यदि त्रिभुज का परिमाप 16 है तो ए क्यू की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, कोशिश करना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बाकी आपको लिंक नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। तो देखिए सीखने की कोशिश करना आप लोग। यहाँ अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी का, तो हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम बराबर 16, ए बी प्लस बी सी बराबर 16, और बी से सी को, बी से सी जहाँ पर है, बी से सी जहाँ पर है उसको हम लोग लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी प्लस सी ए बराबर 16। बी से सी को दो भागों में बांट दिया हम लोगों ने, बी से पी प्लस पी से सी। अब देखिए ए की जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये और ये बराबर है, ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर, तो जहाँ बी से पी है उसकी जगह मैं बी से क्यू भी लिख सकता हूँ, जहाँ बी से पी है उसकी जगह बी से क्यू भी लिख सकते हैं, और पी से सी जहाँ पर है उसकी जगह आर से सी लिखा जा सकता है, ए की जगह से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ बराबर प्लस सी ए इक्वल्स टू 16। अब देखो ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू, और आर सी प्लस सी ए को लिख सकते हैं ए आर बराबर 16। और आपको याद होगा कि ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट, सर्कल की बात करें ए की जगह से दोनों डालेगी, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर है, ए क्यू ए आर बराबर है, और ऐड करने पर अगर 16 आ रहा है तो ए क्यू की लेंथ अगर हम लोगों से पूछिए इसका मतलब ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, यही अपना आंसर है, 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप लोग। और आगे चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु अक्ष स्थित है, ये डायग्राम भी है, अक्ष से अक्ष एम और अक्ष एन, एक तो अक्ष से एम और एक अक्ष एन, ए बी व ए सी के पैरेलल दो लाइन खींची गई, ए सी को एम पर तथा ए बी को अपने पास एन पर मिलती हैं, यदि एम एन को आगे बढ़ाने पर ये टी पर अगर इंटरसेक्ट करें तो टी एक्स टी बी और टी सी में क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसके बाद ये ऑप्शन दिए हुए हैं टी एक्स स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी सी, सेकेंड ऑप्शन टू टी एक्स बराबर टी बी इंटू टी सी, जो तीसरा ऑप्शन दे देगा टी एक्स क्यूब बराबर टी बी इंटू टी सी, इस प्रकार से टी एक्स के फॉर्म में टी बी इंटू टी सी, ऐसे हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, कोशिश करना सीखने की,
जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग अपने आसान क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं और जो भी टेंथ की बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग लेंगे। मैं ऐसा सोचकर चलता हूँ हमेशा कि या तो आपका पेपर टेंथ की बुक से बनेगा या अपने पास नाइन्थ टेंथ सेवन्थ एट्थ किसी भी बुक से, या प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं, या CDS के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कैट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या नए क्वेश्चन, ये चार ही ऑप्शन बनते हैं। तो सारे हर टाइप के क्वेश्चन जो टेंथ की बुक के हैं वो भी करेंगे, CDS और SSC के आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, और हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस जो अपने कैट के लेवल के हैं और नए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग सोल्व करेंगे। और इससे आपका इतना तीन चीज़ें करवा दूंगा मैं आपको, सारे एकेडमिक के क्वेश्चंस, आए हुए CDS और SSC के क्वेश्चंस, कैट के क्वेश्चंस और जितने भी और टफ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। तो जो चौथे नए क्वेश्चंस बनेंगे कभी भी वो आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे। देखिए, क्योंकि मैंने थ्योरी भी आपको काफ़ी बेसिक से पढ़ा दी है और अब इतने क्वेश्चंस 200 के लगभग क्वेश्चंस जब हम लोग कर लेंगे और 40-50 क्वेश्चन मैं वहाँ पर भी थ्योरी पढ़ाते टाइम भी करवा चुका हूँ, तो टोटल जब 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। तो ये टेंथ की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक बार मैं वापस बनाता हूँ डायग्राम थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए। ये कोई भी पॉइंट अपने पास एक्स है, इसके पैरेलल AC के पैरेलल ये कोई पॉइंट एन है, ये लाइन AC के पैरेलल है, और इधर इसके पैरेलल AB के पैरेलल ये कोई भी पॉइंट एम है। इसको आगे बढ़ाने पर कोशिश करना सीखने की, ये पॉइंट पर मिलता है टी पर, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए TB, TX और TC में क्या रिलेशन होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कोशिश करना समझने की, देखो मैं समझाता हूँ, डायग्राम अलग से बना लिया तो इधर ध्यान देना। एक बार आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं ये लाइन एक बार हटा रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को, ये दिया हुआ है कि ये और ये पैरेलल है, और मैं अगर ट्रायंगल TMC की बात करूँ, ट्रायंगल TMC की बात करूँ तो मुझे बताइए, दो लाइन ट्रायंगल TMC की बात करूँ तो दो लाइन पैरेलल होते ही आप दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को, ट्रायंगल में सिमिलरिटी समरूपता में पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान रखना पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, TXN और TMC सिमिलर हो गए तो TX अपॉन TM हम लोग लिख सकते हैं, TN अपॉन TM बराबर TX अपॉन TC। और ये क्वेश्चन जो 9 टेंथ के अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अगर देखे हुए होंगे तो आप लोग कर पाओगे, नहीं देखे हुए होंगे तो फिर आप लोग उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए TN अपॉन TM बराबर TX अपॉन TC, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और आपको समझाने के लिए ध्यान रखना, ये जो लाइन है MX ये इसके पैरेलल है। एक बार मैं इसको अगर हटा दूं और ये दोनों लाइन देखो पैरेलल हैं, और अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग सिमिलरिटी का एक वीडियो देखिए, जो मैंने दो वीडियो बनाए हैं सिमिलरिटी पर वो देखिए। दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल TNB सिमिलर होगा TMX के साथ, और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। TN कौन सा, एक बार ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ताकि आप लोग लिखो तो आपके सही समझ में, ट्रायंगल TMX में पैरेलल हैं तो TN अपॉन TM बराबर होगा TB अपॉन TX के। ये भी TN अपॉन TM के बराबर है, ये भी TN अपॉन TM के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है, तो TX अपॉन TC बराबर TB अपॉन TX, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TX स्क्वायर बराबर TB इंटू TC, ये अपना आंसर है। तो जो टेंथ का क्वेश्चन है टेंथ की बुक में वो आपका किया हुआ होगा, तो आप लोग तुरंत इसको क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपके अप्रोच नहीं पता, सिर्फ आपने SSC के प्रीवियस ईयर्स के सिर्फ अगर क्वेश्चंस देख लिए कर लिए तो फिर ध्यान रखना आप लोगों का पेपर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो टेंथ की बुक के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग करेंगे, आसान क्वेश्चंस भी करेंगे, CDS और SSC में आए हुए क्वेश्चंस या और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, और टफ क्वेश्चंस भी कैट के आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। तीन करने के बाद जो चौथा SSC खुद अगर क्वेश्चन बनाएगा, थ्योरी मैंने देखा, आपने खुद ने देख लिया होगा अभी कितनी मैंने डीप से पढ़ाई है, और इतने ही डीप से जब क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर आपको थोड़ा सा सही नए क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पर। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, एंगल बी एंड एंगल डी आर मीटिंग एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली।
ए बी सी और डी, इसका एंगल बाइसेक्टर इधर बढ़ाने पर क्यू पर और इसका एंगल बाइसेक्टर इधर बढ़ाने पर पी पर मिलता है, बढ़ाने पर। देन हाउ एंगल पी एंड क्यू, ए बी सी एंड ए डी सी आर रिलेटेड। ऑप्शन भी पी और क्यू और इन इफ फॉर्म में दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम में भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी नीचे लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, आइए मैं समझाता हूँ। कोशिश करना समझने की, आसान क्वेश्चन, और मैंने कहा कि टेंथ की बुक के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं इस क्लास में आपको सोल्व करवाऊंगा, आसान क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। तो पहली क्लास हमारी यही होगी, अगली क्लास टफ क्वेश्चंस की और थर्ड क्लास फिर अपनी एसएससी में और सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस की। तो देखिए आप लोग ध्यान देना, वापस बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए। ये कोई भी अपने पास चतुर्भुज, और ध्यान रखना पैरेललोग्राम या ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। कुछ लोग इसको पैरेलल लाइन से कर देते हैं, उससे भी आंसर तो ठीक बैठ जाता है लेकिन वो तरीका फिर गलत होगा। इस प्रकार से इसका एंगल बाइसेक्टर इसको आगे बढ़ाने पर पी पर और इसका जो एंगल बाइसेक्टर इसको आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिलता है, इस प्रकार से। तो अब आइए मैं सिखाता हूं आप लोगों को, आसान क्वेश्चन है एकदम आसान। तो देखिए कोशिश करना सीखने की, इस वाले एंगल को मैं बी नाम नहीं देकर, पूरा ऑप्शन में तो ए बी सी लिखा हुआ है इस एंगल को, लेकिन समझाते टाइम इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं बी। ये वाला जो एंगल है इसको ए बी सी नाम नहीं देकर ओनली बी, तो ये होगा एंगल बी का बाइसेक्टर, तो ये आ गया बी बाई टू। ए बी सी लिखना बड़ा होगा तो मैंने इसको लिख दिया बी बाई टू। तो ये अगर बी बाई टू है तो इधर वाला जो एंगल बचा अपने पास, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये बी बाई टू अगर है तो इधर वाला एंगल बचा 180 डिग्री माइनस बी बाई टू। ऐसे ही इस एंगल को ए डी सी नहीं लिखकर इस एंगल को मैं डी नाम दूं, तो ये एंगल बाइसेक्टर ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो ये होगा एंगल डी बाई टू। तो ये जो इधर वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये हुआ 180 डिग्री माइनस डी बाई टू। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा आपको, पी डी क्यू और बी एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो ऐड करो आप लोग एंगल पी, ऐड कीजिए आप लोग एंगल पी प्लस 180 डिग्री माइनस डी बाई टू प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस 180 डिग्री माइनस डी बाई टू प्लस क्यू प्लस 180 डिग्री माइनस बी बाई टू। चारों एंगल्स का जो सम होगा वो अपने पास होगा 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो 180 और 180 360 इधर जाके कट गया, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर बच गया अपने पास डी बाई टू प्लस बी बाई टू। और चाहो तो दो एलसीएम लेकर बाहर ले आओ, तो 1/2 डी और बी, चाहो तो दो का इधर भी इंटू कर सकते हो, ये अपना आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। इन अ गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 11, अपने को दिया हुआ है AD इक्वल्स टू 11, ये अपने पास दिए हुए हैं। AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 9, देन फाइंड AC। हिंदी में भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों ने जैसे आपको पता होगा दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलते हैं। तो अब अपने पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ये 57 और ये 123, ध्यान रखना मैंने खुद ने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन था, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ये 57 डिग्री है, ये 123 डिग्री अगर है तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये 123 डिग्री अगर है तो ये 57 डिग्री होना है। ये जो अपने पास है ये कॉमन होने के कारण बराबर, ये कॉमन ट्रायंगल ए ई डी की और ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है, एक एंगल 57 और 57 होने के कारण बराबर, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा क्या? और दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो ध्यान रखना अपने पास ए से डी तक 11 है और ए से बी तक अगर 18 है तो अपने पास नीचे वाला ये बचा 7, अपने पास ए से ई तक 9 है और ई से सी तक की लेंथ पूछी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
मैंने कहा एक तो कॉमन होने के छोटे वाले में अगर ये 30 डिग्री है, मान लो वैसे ही समझाने के लिए 35, 30 कुछ भी मान लो 35 है, तो छोटे वाले के लिए भी 35 होगा और बड़े वाले के लिए भी 35 होगा। एक 57, ये 123 डिग्री दिया हुआ तो ऊपर वाला 57 और ये 57 बराबर, एक कॉमन होने के कारण बराबर, और दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते ही भुजाएँ समान अनुपात में, तो हम लोग लिख सकते हैं इस 57 के सामने की साइड 11 और इस 57 में बड़े वाले में सामने की साइड 9+x। सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया है, किसी को अगर नहीं आता तो उस पूरे पोर्शन को तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, आप उस लेक्चर को वापस देखिए सिमिलरिटी वाले को। अपने पास इसके सामने ये जो तीसरा एंगल बचा कॉमन के सामने तो ये है ही, इसके सामने की साइड 9 है और इसके सामने की ये वाली जो साइड है वो 18 है, 9 से कट जाएगा दो बार तो अपने पास ये आ जाएगा 22 इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स है, ये इधर आके माइनस अगर होगा तो इसकी वैल्यू बची 13, एक्स का मान 13, यही हम लोगों से पूछा है, ये अपना आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल्स टू 44 डिग्री, बीपी बराबर बीआर, बी से पी तक जो है ये अपने पास बीपी बराबर है बीआर के और इधर से CN बराबर CR, दोनों CN और RC इक्वल हैं, CN और RC इक्वल हैं, देन फाइंड एंगल PRN, ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा है। तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, एक चीज़ ध्यान रखना ये वाला एंगल निकालने का तरीका होगा क्योंकि हमें ये दोनों साइड बराबर दी हुई हैं, तो इसके सामने का एंगल ये अगर x है तो इसके सामने का एंगल ये भी अपने पास x होगा, ये अगर अपने पास x है तो ये भी अपने पास x होगा और इसके सामने का एंगल ये अगर अपने पास y है, ये अपने पास y है तो इसके सामने का एंगल ये जो इसके सामने का एंगल तो ये भी अपने पास y होगा। मैंने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, आप लोग इसको याद रखना, ये y है और ये y है, ये x है ये x है, तो इसका जो तीसरा एंगल बचा यहाँ पर ये वाला जो एंगल बचा ये अपने पास बचा 180 माइनस 2x और ऐसे ये वाला जो एंगल अपने पास बचा ये बचा 180 माइनस 2y। हमें ये एंगल निकालना है क्योंकि ये वाला एंगल क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला जो एंगल बचा वो बचा अपने पास 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ऑप्शन तो ये हैं अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन है ये एक्स है ये वाई है तो ये वाला एंगल बचा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाला एंगल आ गया और क्या आप लोग यहाँ से ये और ये क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो इसको इसको और इसको ऐड करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये और ये ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो तीनों को ऐड कर दो 44 प्लस 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 44 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y, ये आपने पास 180 से 180 कट जाएगा और 224 बराबर 2x प्लस 2y है तो अपने पास x प्लस y जो आ गया वो आ गया 112 डिग्री और ये अगर 112 यहाँ रख दोगे तो 180 में से 112 माइनस करोगे तो 68 डिग्री, ये अपना आंसर है 68 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा कम समझ में आया तो वापस करके देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन द गिवन फिगर बिलो, इन फिगर बिलो टी एस इज द टेंजेंट एट टी एंड टी क्यू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी आर, टी एस एक टेंजेंट है और पी टी आर का एंगल बाइसेक्टर है टी क्यू, देन टी एस इज इक्वल्स टू, टी एस किसके इक्वल होगा और चार ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन खुद करने की एक बार कोशिश करो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मैं कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ तो उसको आप लोग पहले खुद करने की कोशिश किया करो जिससे आप लोगों को सही समझ में आए। अगर आप लोग खुद करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको हमेशा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही था, लेकिन पहले अगर खुद करने की कोशिश करोगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे और कितने सही लेवल के हैं। तो पहले खुद करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमेशा लिखता हूँ तो हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखो मैं करवाने की शुरुआत करता हूँ, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टी क्यू है वो पी टी आर का एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो ये वाला कोण भी थीटा होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल आप लोग एक्स मान लीजिए तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा क्यों, आप लोग मुझे बताओ जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो जैसे मैं बोलता हूँ क्यों तो आप जवाब दिया करो। ध्यान रखना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से टेंजेंट व कोण के बीच, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी बहुत अच्छे से समझाई थी, इसके बीच बना कोण ये अगर थीटा है तो इस कोण द्वारा इधर कहीं भी कोण बने इस सर्कमफ्रेंस पर वो हमेशा थीटा होगा, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था।
तो देखिए इसमें अगर छोटा डायग्राम बन गया, नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, ये टेंजेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये अगर एंगल एक्स है तो इस कोण द्वारा इधर कहीं भी एंगल बने वो एक्स होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। और मुझे बताइए ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा प्लस एक्स होगा क्या? क्यों बताओ? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, थीटा प्लस एक्स। ये एक बार समझाने के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये एंगल अपने पास जो बचा थीटा प्लस एक्स बचा, ये एंगल थीटा प्लस एक्स। एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसके सामने की साइड टी एस और इसके सामने की साइड क्यू एस दोनों बराबर होंगी, तो टी एस बराबर होगा क्यू एस के, ये अपना ऑप्शन था फर्स्ट। तो ध्यान रखना ये अपने पास आंसर आ गया, ये दोनों कोण बराबर है थीटा प्लस एक्स, तो इसके सामने अगर क्यू एक्स और इसके सामने टी एक्स तो टी एस और क्यू एस बराबर हैं, ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था लेकिन अचानक देखोगे थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आज की क्लास में, हर क्लास में मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आज की क्लास में मैंने आसान क्वेश्चंस करवाए, कल इवनिंग में मैं टफ क्वेश्चंस लूंगा आपके लिए एकदम अच्छे लेवल के, और परसों फिर एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस। फिर वापस से ध्यान रखना ओनली 15 क्वेश्चन पे मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, चौथी क्लास में फिर यही 15 क्वेश्चन आसान। तो जिस स्टूडेंट को पहले आसान क्वेश्चन देखने हैं वो मेरा लेक्चर नंबर 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर 11 नंबर इनको देखो। जिन स्टूडेंट को लगता है मुझे टफ क्वेश्चंस देखने हैं तो लेक्चर नंबर 2 नंबर, जो क्वेश्चंस का 2 नंबर होगा ना, वैसे तो अपने नंबर वाइज सीरीज चली रही है, उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, ऐसे 3-3 के गैप पर देखिए। ऐसे से मैं क्वेश्चंस देखने तो 2-2 को छोड़कर ये वाले लेसन देखना, इस प्रकार से हम लोग करते रहेंगे क्वेश्चंस को। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, किसी को अगर टेलीग्राम ग्रुप अच्छा नहीं लगता तो, किसी को टेलीग्राम का लिंक लगता है कि कोई दिक्कत नहीं सर हम लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, इनकी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग कल शाम को पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको सही लगता है ये लेसन्स अच्छा लगा तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो लाइक तो करना ही और कमेंट करना है, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करो कोई बात नहीं, लाइक और कमेंट आप लोग हमेशा किया करो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ओके थैंक यू, कल शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।